विश्वास है कि एक बार जब हाथ में तिरंगा आ जाता है तो वो फिर कभी हिंसा का, अलगाव का, बांटने का, राजनीति का सामर्थ्य कभी नहीं कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हाथ में थमा यह तिरंगा इन लोगों को हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ, हथियार उठाने वालों के खिलाफ, आतंकवादी हमले करने वालों के खिलाफ भी आवाज उठाने के लिए प्रेरित करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हाथ में थमा यह तिरंगा इन लोगों को, और ये मेरी बात उन तक पहुंचनी चाहिए, हाथ में तिरंगा लेकर के जो खड़े हैं वो अब पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भी आवाज उठाने की पहल करेंगे, प्रेरित करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? पाकिस्तान के करतूतों के खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं? यही है कसौटी, यही है कसौटी। तिरंगा उठाना हमारा अधिकार है, लेकिन हाथों में आया तिरंगा जिम्मेदारियां भी लेकर के आता। और मैं इन लोगों को कहना चाहता, अगर मोदी को देश की जनता ने बिठाया, ये आपको अगर पसंद नहीं है मैं समझ सकता हूं, तो आप मोदी को गाली दो भाई, मोदी को नफरत करो, मोदी का जितना विरोध करना है जरूर करो। आपको मोदी से नफरत है, गुस्सा जितना निकालना है निकालो। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जूतने जूते मारने हैं मारो, मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का ऑटो रिक्शा मत जलाओ, गरीब की झोपड़ी मत जलाओ। गरीब ऑटो वालों, गरीब बस वालों, मारकर पीटकर आपको क्या मिलेगा? हमने इस साल मार्च में ये काम खुद अपने हाथ में लिया, और इस अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर में प्रक्रिया पूरी की, और अभी अभी जो लोकसभा का सत्र हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़ा बिल पास कराया जा चुका है। इतने कम समय में टेक्नोलॉजी की मदद से दिल्ली की 1700 से ज्यादा कॉलोनियों की बाउंड्री को चिन्हित करने का काम पूरा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 1200 से ज्यादा कॉलोनियों के नक्शे भी पोर्टल पर डाले जा चुके हैं। कॉलोनियों के नियमितीकरण का ये फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये दिल्ली के बिजनेस,
यहां के कारोबार को भी गति देने वाला। साथियों, समस्याओं को लटका कर रखना ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है। ये हमारे संस्कार नहीं है और न ही राजनीति का हमारा ये रास्ता है।